Hello everyone, welcome to the Art and Craft Villa. I'm Kiran Rajay and I'm back with new art idea. तो आज हम बनाने वाले हैं मुगल फ्लोरल पेंटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 300 GSM A3 साइज ड्रॉइंग शीट एंड बेसिक स्टेशनरी। तो सबसे पहले हम 5 mm का बॉर्डर बना लेंगे। गाइज, ये हम 5 mm का बॉर्डर फ्रेमिंग के लिए बना रहे हैं, ताकि हमारी पेंटिंग कम्प्लीट होने के बाद हम इसे फ्रेम कराएं तो हमारा जो आर्ट वर्क है वो फ्रेमिंग में ना जाए, इसलिए हमने 5 mm का बॉर्डर बना लिया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ 1 inch का बॉर्डर। मेरे स्केल का विड्थ है 1 inch, तो मुझे मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है गाइस, और स्केल के मेजरमेंट से मैंने 1 inch का बॉर्डर बना लिया है। सो गाइस, 5 mm फॉर फ्रेमिंग एंड 1 inch फॉर बॉर्डर। अब हमें शीट का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अप साइड एंड बॉटम साइड दोनों साइड सेंटर पॉइंट निकाल के बीच में एक लाइन बनानी है। गाइस, ये मुगल फ्लोरल पेंटिंग की क्लास मैंने लाइव फेसबुक पर ली थी। आप में से जिन्होंने भी फेसबुक पर लाइव ये क्लास अटेंड की है, वो मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर रखा है, मेरी लाइव क्लास भी ले रहे हैं और यहाँ पर भी आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं यहाँ पर एक झरोखा पैटर्न बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड आप इस तरह का झरोखा पैटर्न बना लेंगे। सो ब्यूटीफुल। तो गाइस, झरोखा ड्राइंग इज डन। एक्स्ट्रा पेंसिल लाइन इरेज कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब आप देखिए मैं किस तरह से बॉर्डर कंप्लीट करती हूँ। प्लीज वॉच केयरफुली एंड कंप्लीट योर बॉर्डर लाइक दिस। सो गाइज, मुगल फ्लोरल पेंटिंग का ब्यूटीफुल सा बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की ड्राइंग करने के लिए। तो झरोखा पैटर्न जो हमने बनाया है, इसमें भी मैं कुछ फ्लोरल पैटर्न बनाने वाली हूँ। उसके लिए सेंटर में मैंने डबल लाइन लिया है और इस तरह से कुछ कर्व बनाते हुए कुछ फ्लावर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कर्व बना लेती हूँ। बॉटम साइड में मुझे थोड़े बड़े कर्व देने हैं, उसके बाद सेकेंड कर्व मैंने थोड़ा सा ऊपर की साइड बट थोड़े छोटे कर्व दिए हैं। उसके बाद फिर और ऊपर की तरफ जब हम कर्व लेंगे वो और भी छोटे लेंगे, स्मॉल। तो ये डिक्रीजिंग साइज में हम इस तरह से पूरा कर्व बना दिया है। नाउ वी विल मेक फ्लावर्स। तो मैं यहाँ पर एक फ्लावर बना लेती हूँ। टॉप साइड का फ्लावर बनाने के बाद में हम कुछ लीफ और कर्व पैटर्न बनाने वाले हैं। अब गाइस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बैलेंस करके रखना है। बैलेंस मींस आपको दोनों साइड में साथ साथ में बनाना है। नाउ यू कैन सी कि मैं लेफ्ट साइड में जैसा ड्राइंग कर रही हूँ वैसा का वैसा मैं राइट साइड में कर रही हूँ। लेफ्ट साइड में अगर मैंने एक लीफ बनाया तो सेम पैटर्न मैंने राइट साइड में भी बनाया है। ये सिमिलरिटी आपको रखनी है, थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, जिससे ये मुगल फ्लोरल पेंटिंग का पूरा लुक दे। सो गाइज ऊपर वाले छोटे वाले कर्व में हमने छोटे वाले फ्लावर्स बनाए हैं। अब ये मिडल कर्व है, इसमें हम थोड़े से बड़े फ्लावर्स बनाएंगे। यू कैन सी लाइक दिस, इन फ्लावर्स का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और एक पैटर्न हम इसमें एक्स्ट्रा दे देंगे। सेम वे जब बॉटम साइड का हम कर्व में फ्लावर्स बनाएंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बनाएंगे। नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल डिजाइन ऑफ फ्लावर्स, पैटर्न्स, लीव्स। सो गाइज एक बात मुझे आपको बोलनी है, अगर आपको मुगल फ्लोरल पेंटिंग का ड्राइंग, कंप्लीट ड्राइंग देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं इसका कंप्लीट ड्राइंग पोस्ट कर रही हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसका कंप्लीट ड्राइंग देखकर अपना ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको मुगल फ्लोरल ड्राइंग ही करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें कलरिंग करके दिखाऊंगी। सो गाइज एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ड्राइंग कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। सो गाइज इसमें मैं थोड़े से लीफ और कर्व थोड़े और ऐड कर देती हूँ। और इस पेंटिंग में मैंने जो सबसे टॉप पे फ्लावर बनाया था वो मुझे अब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बाकी फ्लावर से, तो मैं उस फ्लावर को भी इरेज करके और जो सबसे बॉटम में फ्लावर बनाया हमने बड़ा वाला फ्लावर वैसा बनाने वाली हूँ। सॉरी गाइज थोड़ा सा हमने चेंज करना है, तो मैं आपको फाइनल ड्रॉइंग ही यहाँ पोस्ट करने वाली हूँ। ये देखिए ये वाला फ्लावर मैंने इरेज कर दिया है और यहाँ पर मैं जो बॉटम साइड में फ्लावर बनाया है ताकि सिमिलरिटी रहे, इसलिए वो ही फ्लावर मैं यहाँ बना रही हूँ। होप यू आर लाइकिंग दिस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल एंड। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मुगल फ्लोरल पेंटिंग में कलरिंग करके दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।